नमस्कार साथियों, अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं तो 10 नई अपडेट आपको बताएंगे। ये अपडेट आप लोगों के लिए जरूरी है, आप लोगों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, सऊदी अरबिया में जॉब में बड़ा नुकसान, इंडियन वर्करों को जॉब नहीं मिल रहा है, कंपनियों को नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसका वीडियो पहले भी बनाया था। सऊदीकरण, सऊदी सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि जो बड़े पद हैं जिसमें मलाईदार पद हैं, ज़्यादा सैलरी होती है, वहाँ पर हमारे लोगों को रखा जाए, क्योंकि सऊदी ये नहीं चाहती है कि सब हमें ये बोले कि सऊदी अरबिया तेल पे डिपेंडेंट है। सऊदी को भी पता आने वाले टाइम में तेल की खपत कम होनी है, इससे पहले हम लोग सेट हो जाएं तो हमारा जुगाड़ चल जाए। जी हाँ, जिसमें बात करें मैनेजर की, पब्लिक रिलेशन मैनेजर की, या फिर सेल्स मार्केटिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या फिर स्टोर कीपर, डाटा एंट्री, ये इस प्रकार की जॉब है जिसमें सैलरी 5,000 दराम कम से कम देनी पड़ेगी। इंडियन कंपनियों को भी इन्हीं में इन लोगों को रखना पड़ेगा, यानी इंडियन वर्करों की छुट्टी। तो ये कंडीशन सामने आने वाली है और शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, आगे बड़ी अपडेट, सरकार ने बोला कि धूप में अभी टाइम चल रहा है, कड़ी धूप का 15 जून से लागू हो गया है, कड़ी धूप में काम न करने की घोषणा की है। जी हाँ, इसकी बता दूं कि लगभग अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप 1-99-11 पर शिकायत कर सकते हैं। 12 बजे से 3 बजे के बीच में कोई भी कंपनी मालिक आपसे काम नहीं करवा सकता। जो काम खुले में, खुले का मतलब छत पे काम कर रहा हो, ऊपर से भयंकर गर्मी पड़ रही हो, यहाँ पे छूट दी गई है। ऑयल कंपनियों को छूट दी गई है, गैस की जो ऑयल कंपनियां ना, वो तो क्या जमीन के अंदर काम करते हैं, तो उनको छूट दी गई है। जी हाँ, 98 वर्करों को गिरफ्तार किया गया है, 5 साल का बैन लगा दिया गया है, बिना परमिट के वो लोग थे। जी हाँ, यानी इनके पास परमिट नहीं था, पुलिस ने छापामारी करके लोगों को पकड़ लिया। आगे अगर बात करें तो सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया, भाई आपके पास चार्जर, फोन की बैटरी, परफ्यूम बोतल, या फिर ये निकलने वाले लोगों पे कार्रवाई होगी। जी हाँ, क्योंकि ये गाड़ी में आप रखते हैं, जैसे सैनिटाइजर हो गया, या फिर लाइटर हो गया, गैस लाइटर हो गया, या फिर हाथ का जो हैंड सैनिटाइजर होता है, ये सामान भी आप अपनी कार में नहीं रख सकते, क्योंकि गल्फ देशों में इस टाइम गर्मी भयंकर चरम सीमा पे 50 सेल्सियस पारा है, बड़ी बड़ी चीजों में आग लग जाती है, क्योंकि ये तो वैसे भी आग लगने वाली है, जैसे चार्जर हो गया, फोन की बैटरी, परफ्यूम, परफ्यूम में तो आपको पता लिक्विड आता है, आग तुरंत पकड़ लेता है, ये बोतल वगैरह, ये आप अपनी कार में नहीं रखें, वरना आपके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। आगे अगर बात करें, 15,000 इनलीगल वर्करों को पकड़ा है सऊदी पुलिस ने, जिनके पास में परमिट नहीं थे, काफी समय से इनलीगल तरीके से रह रहे थे, अब 15,000 लोगों को पकड़ लिया है, उनको कुछ समय के लिए जेल में रखा जाएगा, आउट पास बना के उनको आउट अपने देश जाओ, 5 साल का बैन लग जाएगा। जी हाँ, आगे 6 नंबर पर इंपॉर्टेंट न्यूज है साथियों की, बता दूं कि अगर आप मान लीजिए कंपनी चेंज करते हैं तो आपका जो वीजा रिन्यूअल करवाना होगा उसकी जिम्मेदारी उसका पैसा कौन देगा। सरकार की जो मंत्रालय, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इसकी नियुक्ता की जिम्मेदारी जिसके पास आप जॉब कर रहे हो उसकी होगी, आपका जो भी खर्चा होगा वो नहीं तो पीछे वाली कंपनी नहीं देगी, नहीं आपका वर्कर का लगना चाहिए, वो जिस कंपनी में आप जा रहे हो पूरा पैसा वो देगी। जी हाँ, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखें, कोई बोल दे कि हाँ मैं जॉब लगा देता हूँ, वीजा का पैसा तुझे देना पड़ेगा, तो इन चीज़ों से बचने की सख्त जरूरत है। आगे अगर बात करें तो सऊदी एयरपोर्ट पर अगर आपका सामान खो जाता है तो सऊदी की एयरलाइंस है वो मुआवजा देगी, कम से कम 6,000 सऊदी रियाल, जी हाँ, आर्थिक मुआवजा कंपनी आपको देगी अगर आपका सामान खो गया तो। शिकायत आपको करनी पड़ेगी, आपका सामान अभी टूट जाता है तो उसके ऊपर 1820 रियाल आपको मुआवजा मिलेगा, और अब इसको 6,000 रियाल तक का जुर्माना वो सऊदी की जो एयरलाइंस है वो भुगतान करेगी। तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हर रोज यहाँ पे सामान छूटता है और काफी लोगों को हर रोज एयरलाइंस की तरफ से मुआवजा देना पड़ता है। 8 नंबर पॉइंट पर बात करें तो भाई सऊदी मंत्रालय ने साफ साफ बोला है कि जो वर्कर कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी को छोड़ रहा है, पूरा अग्रीमेंट उसका हो गया, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने जो भी काम किया उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको दिया जाए, उसमें कब काम लगा, कब तक काम किया, उसकी कंडीशन कैसी थी, काम करने का उसका तरीका क्या था, कितनी उनकी तनख्वाह थी, कैसे उनका पूरा सिस्टम उसमें होना चाहिए, ताकि वो वर्कर उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जॉब लगे तो वो वर्क एक्सपीरियंस उसके काम आ सके, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी को देना होगा। अगर आपके भी ये न्यूज़ अच्छी है भैया, आप कंपनी छोड़ रहे हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस आपका जो सर्टिफिकेट है कंपनी से जरूर ले लें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं वो नहीं देती हैं। जी हाँ, एक अच्छी न्यूज़ 9 नंबर पर बात करें तो साथियों, सऊदी अरबिया में मास्क लगाना अब जरूरी नहीं है, उसको हटा दिया गया, कोविड से जुड़े पूरे नियम हटा दिए गए हैं। हालांकि कुछ चीज़ ऐसी हैं, सार्वजनिक चीज़ भी मास्क लगाना है, बाकी सब जगह से मास्क की जो जरूरी था वो उसको हटा दिया गया, ये एक अच्छी न्यूज हो सकती है। सऊदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि हम ट्रेवल फ्री सुविधा देने जा रहे हैं जीसीसी कंट्रियों को, यानी जीसीसी यानी 5-6 कंट्री हैं सऊदी में, सऊदी, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत वगैरह में, इन देशों को हम वीजा फ्री ट्रेवल देंगे, यानी इन देशों के लोग हमारे देश में आएंगे तो उनको वीजा की जरूरत नहीं होगी, जैसे यूरोपियन होता है ना शेंगेन वीजा, वैसे इन लोगों को उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी, उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आओ सऊदी और वापस जाओ। जी हाँ, और ये उन देशों में, जैसे इंडियन लोग इन देशों में रहते हैं, सऊदी के अलावा गल्फ देशों में रहते हैं, वो व्हाइट कॉलर जॉब है, यानी उनकी अच्छी सैलरी हो, अच्छी इनकम टैक्स, अच्छी इनकम, रेगुलर इनकम वाले हो, उनको भी ये सुविधा मिल जाएगी कि जब भी वो सऊदी जाएं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं ये 10 टॉपिक मैंने 10 न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की है, ये वीडियो आपके लिए जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय